उमा भारती ने अब से थोड़ी देर पहले की है प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐलान कर दिया है कि लोकसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी, मेरे लिए गंगा महत्वपूर्ण है। उन्होंने फिर दोहराया कि अगले 2 साल गंगा के लिए वो काम करेंगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने मेल कर दिया है, यह भी कहा है कि मेरी तरफ से स्थिति साफ कर दी जाए, लोकसभा चुनाव में 400 सीट का लक्ष्य जरूर पूरा होगा। लंबे अरसे तक उमा भारती के पास गंगा की जिम्मेदारी रही है, गंगा की सफाई की, और अब वो कह रही है कि मैं उसी पे काम करूंगी। हमारे संगठन के सभी संगठनों के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को अयोध्या में कह चुकी हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 2 साल। अब आप कहोगे 2 साल बीच में कोई चुनाव नहीं होगा, नहीं, राज्यसभा वगैरह के चुनाव होते हैं। तो मैंने कहा कि उसका कारण बना कि जब मैं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बैठी हुई थी आगे की पंक्ति में, तो मुझे पूरा अयोध्या आंदोलन का स्मरण आता रहा और मुझे लगा कि किसके कारण आज हम यहाँ पहुंचे। वो थे अशोक सिंघल जी, जो देवरा बाबा के शिष्य भी थे। उनकी दृढ़ता का परिणाम था कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो पाई। तो मुझे लगा कि मेरी दृढ़ता में कुछ कमी रह गई, जो गंगा का काम वहीं ठहर गया 2017 में, जहां पर कि मैं छोड़ आई। और इससे मेरा मन इतना व्याकुल हुआ उन 5-6 घंटों में ही कि संयोग से मुझे उनके बगल में ही बैठने का मौका मिला। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, मैं अभी चुनाव अगर लड़ी तो संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी का निर्वहन और उसके साथ गंगा का कार्य का मेल नहीं हो पाएगा, तो मुझे 2 साल के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। मैं अपने आप को झोंक दूंगी बिल्कुल गंगा के कार्य को पूर्ण करने के लिए।